पर सगड़ी आजमगढ़ से सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के एन सिंह महिला पीजी कॉलेज जैनपुर में बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रा संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राओं से सीधे संवाद किया गया। उनकी समस्याओं और समाधान के साथ नारी सशक्तिकरण से जुड़े अहम बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत हुई। स्वास्थ्य पर संवाद किया गया। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और उसकी रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। इस दौरान छात्रों को मोबाइल का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए संवाद का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान माहौल में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें खुद महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना होगा। आज के इस कार्यक्रम में छात्राओं ने जो सीखा वह उनके जीवन पर्यंत हमेशा काम आएगा। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए हुनर मिलता है। संवाद कार्यक्रम से छात्राओं के स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इन सब की जानकारी मिलती है जो आगे चलकर उनके जीवन में हमेशा काम आएगी। वहीं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह अपने संबोधन में कहा कि महाविद्यालय में आज संवाद कार्यक्रम में छात्राओं को विभिन्न पहलुओं पर तमाम जानकारी मिली है। उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है और विकट परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए इसके समाधान का प्रयास भी किया गया है। साथ ही छात्राओं को आज टैबलेट भी वितरण किया गया जो आगे पढ़ाई में उनके बहुत काम आएगा। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव, प्राचार्य प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत एवं क्रीड़ा सचिव महाराजा सुहेल देव, राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ डॉक्टर पूनम तिवारी, नारी शक्ति संस्थान सचिव डॉक्टर डीपी तिवारी, संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, प्रबंध निदेशक एवं जिला प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी, शिवम पांडे, विभाग संगठन मंत्री मंजू दुबे, नम्रता राय, अनुपमा जायसवाल, सुषमा शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य केन सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर आजमगढ़। आज हमारे महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया स्वास्थ्य को लेकर के छात्रा संवाद। इस संवाद के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी छात्र हैं अपने स्वास्थ्य संबंधी या कैंट संबंधी जो भी उनके जीवन में समस्याएं आती हैं उसको वह निवारण कर करके अपना, अपने घर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र। आपका प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, प्रांत उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत से संबद्ध आर्यमगढ़ विभाग का, आर्यमगढ़ नगर का छात्रा संवाद कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत छात्राओं के विविध समस्याओं, उनके सशक्तिकरण जैसे कि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, साइबर क्राइम, अन्य जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उससे हमारी जो विदुषी महिलाओं द्वारा उनका उत्तर दिया जाना है, उनके बीच संवाद स्थापित करना है। इसके माध्यम से हमें अपने बच्चियों को सशक्त करेंगे। बच्चियां जब सशक्त होंगी तो मातृ सत्ता सशक्त होगी। मातृ सत्ता सशक्त होने से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र।